दो मेन सिनेरियोस। पहले तो मेक श्योर कि आपने सिनेरियो ठीक से पढ़ लिया हुआ। केस वन, उन्होंने कहा था एट फ्रेंड्स हैं, राजे द सुअर और टर्न, ठीक है जी। एट फ्रेंड विल बी डिवाइडेड इनटू ग्रुप ऑफ फोर, चार चार लोगों ने बैठने हैं। वन ग्रुप ऑन द टेबल फॉर एक्स और वन ग्रुप ऑन टेबल वाई, बिल्कुल ठीक हो गया। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच दिस कैन बी डन, ठीक है, डिवाइड करना है हमने कॉम्बिनेशन। अच्छा, जिस तरह राजित और सू मस्ट सिट ऑन द सेम टेबल एज ईच अदर, तो आर और एस ने इकट्ठे बैठना है एक टेबल पे। आर और एस चाहते हैं कि वो एक ही टेबल पे बैठे। अच्छा, तो वो इस टेबल पे भी हो सकते हैं एंड टैन ने दूसरे टेबल पे बैठना है, टैन दूसरे टेबल पे, या फिर टैन इस टेबल पे बैठ जाता, आर और एस उधर टेबल पे बैठ जाते हैं। ये केस टू, ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर ये दोनों यहां बैठ गए, ठीक है, अब पीछे लोग कितने बच गए थे, पीछे लोग कितने बच गए थे, पांच। ये दोनों तो बैठ गए, इनके नंबर ऑफ वेज तो हो गए वन और वन हो गए। इनके इन चेयर्स पे बैठने के नंबर ऑफ वेज क्या हो गए बेटे, वन और वन। जो फिक्स टेन भी एक ही था, टेन भी बंदा तो एक ही था, यहाँ पे वन हो गए। अब इन दो चेयर्स को फिल करने के वेज क्या हो जाएंगे, पांच में से कितने लोग रह गए, निकाल लेंगे दो इधर निकाल लें। अब बाकी कितने लोग बच गए, इन लोगों के लिए थ्री सी थ्री हो जाएगा। सो केस वन के आंसर्स आ गए, जिसमें टेबल एक्स राज आर और एस ने लिया हुआ है और टी जो है वो वाई टेबल पे है बेटा। तो दिस विल बी वन टाइम्स फाइव सी टू टाइम्स, क्योंकि ये सिर्फ अभी हम डिविजन कर रहे हैं, अभी हम उनको ऑर्डर में नहीं कर रहे। इंटू वन टेन का इंटू थ्री सी थ्री, सो दिस विल फाइव सी टू इज टेन। अब केस टू में चलते हैं। केस टू में टेन भाई इधर बैठ चुके हैं, केस टू में टेन भाई इधर बैठ चुके हैं, टेन भाई के बैठने के नंबर ऑफ वेज वन है, आर और एस के भी नंबर ऑफ वेज वन। जो बंदा डिविजन में अभी अरेंज नहीं करना, नो 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 नो, अभी सिर्फ ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं बेटा। बेटे इधर देखें, अ ग्रुप ऑफ एट फ्रेंड्स इज डिवाइडेड इनटू टू टू ग्रुप्स ऑफ फोर, वी आर जस्ट डिवाइडिंग देम इनटू ग्रुप्स, वी आर नॉट सीइंग द ऑर्डर। या तो इट डजंट मैटर कि आर और एस किस ऑर्डर में, दे आर इंटरचेंजेबल। अगले पार्ट में जब अरेंजमेंट्स करेंगे तो दे विल बी इंटरचेंजेबल। अभी वी आर जस्ट डिवाइडिंग एम इनटू टू ग्रुप्स, सो द ऑर्डर राइट नाउ डजंट मैटर। नेक्स्ट, इन द नेक्स्ट स्टेप ऑफ द क्वेश्चन जब अरेंजमेंट्स करने को कहेंगे तो हम बेटे उनका ऑर्डर भी स्विच कर सकेंगे। अभी तो ऑर्डर मैटर नहीं करता ना, अभी तो ग्रुप्स है, ठीक है। अब यहां पे तीन लोगों को चूज करें, फाइव सी थ्री, और बाकी इनके लिए टू सी टू, सो वन इंटू फाइव सी थ्री। टोटल 10 प्लस 10, 20 वीक्स। चलिए, व्हेन फ्रेंड्स अराइव एट द रेस्टोरेंट, अब केसेस काफी ज्यादा हैं, जरा ध्यान से पढ़ने। आर एंड एस नाउ डिसाइड ऑन टेबल एक्स ऑन द सेम साइड, ठीक है। टेन डज नॉट माइंड व्हाट टेबल ही सेट्स ऑन, ठीक है। चलिए फिर से दो केसेस और बना। केस वन, कि ये आर और एस भाई इस साइड पे बैठ गए, और केस टू, क्वेश्चन ने कहा आर एंड एस नाउ सिट ऑन द नेक्स्ट टेबल ऑन द सेम साइड नेक्स्ट टू ईच अदर, तो ये सेम जगह पे बैठेंगे, या तो ये इधर बैठेंगे या इधर बैठेंगे। अब टेन का मसला खत्म हो गया, टेन ने कहां पे बैठना, टेन ने कहां पे बैठना है, ये मसला खत्म हो गया, ठीक हो गया। तो आ जाइए आर और एस, अब आर और एस का स्विच नजर आ गया ना, आर और एस इधर और आर और एस इधर, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब पहले तो यहां पे दो लोग चूज करो, दो लोगों को चूज करना है और उनका ऑर्डर भी मैटर करता है, दो लोगों का चूज करना है उनका ऑर्डर भी मैटर करता है। तो दिस विल बी सिक्स पी टू, दो लोगों को चूज करें और उनको ऑर्डर में अरेंज भी करें, दिस विल बी सिक्स पी टू।
अब बाकी इधर चार लोग बच गए होंगे ऑटोमेटिकली, वो चार लोग इस टेबल पे 4 फैक्टोरियल से बैठ जाएंगे। आर और एस ने भी तो अरेंज होना है ना, मैं करवा रहा हूँ आर और एस को अरेंज। आर और एस आगे पीछे अरेंज हो सकते हैं, इनका भी 2 फैक्टोरियल लगेगा। और सो केस वन के अंदर मेरे पास आ गए 6P2 इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, सो ये आ गया आंसर 1440। अब अगर आर और एस ऊपर वाली तरफ बैठे हों तो क्या होगा, 2 फैक्टोरियल तो आर और एस के आपस में बैठने के वेज हो जाएंगे। दो लोग यहां चूज करके ले, बाकी 6 लोग बैठ के होंगे, 6 में से 2 लोग यहां लाके उनका ऑर्डर अरेंज कर दें। पीछे रह गए होंगे 4 लोग, 4 लोगों ने एक ऑर्डर में बैठने, तो 4 फैक्टोरियल वे होगा। सो दिस विल बी 2 फैक्टोरियल 6P2, ये भी 1440 होगा। सो केस वन प्लस केस टू 1440। डबल 8 0। ऑल राइट, आखिरी वाला देखते हैं। एज दे लीव द रेस्टोरेंट दे लाइन अप फॉर अ फोटोग्राफ। 8 लोग हैं, लाइन अप फॉर अ फोटोग्राफ। अब जरा गौर से देखना, अब 8 जगह, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गई 8 जगह। इन 8 जगहों में, हाँ जी, इन 8 जगहों में आर और एस साइड पे नहीं खड़े हो सकते, तो मतलब एंड्स के लिए हम कह लेते हैं हमारे पास दिस विल बी 6 लोग बच गए और 2 जगह 6P2 इज फॉर एंड्स। 6 लोगों में से 2 लोग एंड्स पे खड़े हो जाएंगे, 6P2 एंड पे, ठीक है। अच्छा अब अंदर आ जाते हैं, अब आर और एस ने इकट्ठे खड़े होने हैं, आर और एस को इकट्ठा खड़ा करते हैं, तो 2 फैक्टोरियल हो जाए। और बाहर देखें तो 1 1 2 3 4 5, ये 5 चीजों को अरेंज करने के बेस क्या हो जाएंगे, 5 फैक्टोरियल। पहले एंड वाले लोग खड़े कर दें 6P2, क्योंकि आर और एस में से कोई एंड पे नहीं जा सकता, इंटू 2 फैक्टोरियल आर और एस का बॉक्स में खड़े होने का, इंटू बाहर बॉक्स को आगे पीछे अरेंज करने। अच्छा बॉक्स इनके साथ अरेंज नहीं हो सकता, जो बाहर एंड पे खड़े लोग हैं वो अलग अरेंज होंगे, ये 5 फैक्टोरियल इसके अंदर हो रहा होगा। पहले एंड वाले लोग खड़े किए, एंड वाले 6 में से 2 लोग खड़े कर सकते हैं। सो दिस विल बी 7200।